अंबिकापुर में चोरों ने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के गोदाम से ताला तोड़कर बड़ी चोरी को अंजाम दिया। चोरी की इस घटना में अज्ञात चोरों ने गोदाम में रखी सरकारी स्कूल की एक ट्रक किताब को लेकर रफू चक्कर हो गए। फिलहाल मामले की जानकारी पर कोतवाली थाने में अपराध दर्ज कर लिया गया है और मामले की जाँच भी की जा रही है। अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की वारदात के बीच चोरों ने पाठ्य पुस्तक निगम के गोदाम में धावा बोला, जहां से वो एक ट्रक किताब लेकर रफू चक्कर हो गए। जानकारी के मुताबिक 10 और 11 नवंबर की दरमियानी रात कुछ अज्ञात लोग एक ट्रक लेकर अंबिकापुर से लगे सोनपुर गांव स्थित गोदाम पहुंचे, जिसकी आहट मिलने पर गांव के एक ग्रामीण ने इसका विरोध किया तो चोरों ने ग्रामीणों को यह कहकर चुप करा दिया कि वो शासन के आदेश पर इसे जशपुर जिले ले जाने आए हैं, जिसके बाद वो एक ट्रक शासकीय किताबों को भरकर मौके से फरार हो गए। सरगुजा जिले में पाठ्य पुस्तक निगम का गोदाम और कार्यालय शहर से झारखंड जाने वाले रोड पर स्थित सोनपुर गांव में स्थित है और चोरों ने वहां पर बेखौफ होकर पहले ताला तोड़कर चोरी की, फिर नया ताला बंद कर चाबी भी वहीं छोड़कर गायब हो गए, जिसके बाद सुबह पाठ्य पुस्तक निगम के अंबिकापुर प्रभारी गुलाब राम केरकट्टा ने इसकी सूचना कोतवाली थाने में दी और फिर पुलिस ने श्री केरकट्टा की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये जो है इतवार की रात की बात है, मैं मान लीजिए एक आदमी मेरे यहाँ पानी पीने के लिए आया और पानी पी करके गया, उसके साथ साथ पीछे पीछे मैं भी आया तो देखा कि यहाँ गाड़ी लोड, एक सफ़ेद रंग की गाड़ी जो है उसमें किताब लोड कर रहे थे, तो मैं वहाँ जा कर के पूछा उनसे कि भाई किताब कैसे आप लोड कर रहे हो, तो उन्होंने बताया कि भाई हम यहाँ के प्रभारी के आदेश से जो है वो आदमी भेजे हैं जो अंदर गोदाम में बैठा हुआ है, उसके कहने पर हम किताब लोड कर रहे हैं। मैं कहाँ ले जाएंगे किताब, तो कहे कि जशपुर ले जाएंगे। वो पहले भी आए थे इनके आदमी बने? नहीं नहीं, पहले नहीं आए थे, एक दिन पहले आए थे सुबह। कौन सा गाड़ी में लेते थे? सफ़ेद रंग की एक ट्रक था, अब गाड़ी का नाम तो मैं जानता नहीं कि कौन सा गाड़ी था। इसके बाद का मैं आ गया अपने घर और लोग गाड़ी लोड किए चले गए। जब गए तो ताला बंद करके गए, खुला कर गए? मैं वहाँ तक नहीं गया था देखने के लिए कि वो बंद करके गए कि खुला करके गए। मतलब प्रभारी के आदेश बता के लेके गए? हाँ जी हाँ। क्या नाम है प्रभारी को बताएं? क्रिकेटा। ओके, आदेश रहे कहाँ ले जाए कर रहे हैं? वो लोग जशपुर ले जाने के लिए कह रहे थे। छत्तीसगढ़ पाठ पुस्तक निगम का गोदाम है शंकर घाट के ऊपर सोनपुर गाँव में, रोड किनारे है, किराए के मकान में है, बहुत बड़ा गोदाम है। शासकीय पुस्तकें वहाँ रहती जो स्कूल में आवंटन की जाती है निःशुल्क। तो 10 तारीख की घटना है ये, 10/11/19 की शाम 7-8 बजे रात में कुछ लोग ट्रक से आए थे अज्ञात लोग और पुस्तक ताला वाला तोड़ के पुस्तक लोड करके ले जा रहे थे। उसी समय वहाँ का जो पड़ोसी है सुप्रसाद, उसने देखा, पूछा कि आप लोग कैसे पुस्तक लोड कर रहे हो, तो बताया कि नहीं डिपो साहब बोले हैं क्रिकेटा साहब और चाबी भी दिए थे, हम लोग जशपुर से आए हैं और स्कूल में इसको पहुँचाना है, जबकि स्कूल में पूर्व में ही पुस्तकें जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई हैं और ये शेष बची हुई पुस्तकें हैं जो गोदाम में रखी हुई हैं। तो लगभग जो है 13 लाख की सरकारी रेट के हिसाब से बताए हैं कि इतने की लगभग चोरी हुई है, अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी हुआ है, जो इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है 457-380 IPC और वहाँ आगे दुकान में 2 कैमरे लगे हैं, उसको CCTV फुटेज को चेक किया जा रहा है। इसके लिए टीम बना दी गई है, सब इंस्पेक्टर अमित गुप्ता जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और टीम के लेके जो है मौके पे जो है कल से ही छानबीन कर रहे हैं और जल्दी जो है माल मुलजिम का पता साजी कर लिया जाएगा, ऐसी उम्मीद है। चोरी की इस वारदात के दौरान पाठ्य पुस्तक निगम के गोदाम में CCTV कैमरा लगा हुआ था, लिहाजा पुलिस पूरे मामले में राहत की सांस लेने की स्थिति में नजर आ रही है। पुलिस मान रही है कि CCTV फुटेज के आधार पर वो जल्द से जल्द चोरी की इस घटना का खुलासा कर सकते हैं।